आदाब नमस्कार सत श्री अकाल, मैं हूं नजीर। आप जुड़ चुके हैं हमारे YouTube चैनल नजीर कुरैशी के साथ, देख रहे हैं अपना कार्यक्रम आज सुबह। आज है 8 मार्च और 8 मार्च को मनाया जाता है महिला दिवस, लेकिन इस बारे में बात आगे और भी 8 मार्च से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं रोचक जानकारियां हम पेश करेंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि ये हमारा 99वां एपिसोड है और कल हम 100वां एपिसोड प्रसारित करेंगे। और इस अवसर पर हम अपने दर्शकों से दरख्वास्त कर रहे हैं कि हमारे वीडियो को कम से कम अपने सर्किल के 5 लोगों के साथ शेयर करें ताकि चैनल ग्रो कर सके। आज से तकरीबन 116 साल पहले 1908 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हजारों महिलाएं सड़कों पर आ गई थीं अपनी मांगे मनवाने के लिए, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था वो ये था कि महिलाओं को मतदान का अधिकार मिले, वोटिंग राइट्स फॉर द वुमेन, और इसके अलावा काम के घंटे जो हैं वो कम किए जाएं, उचित पगार दी जाए। तो इन मांगों के सिलसिले में जब आए तो 1909 में सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी ऑफ अमेरिका ने 1909 में पहली बार महिला दिवस मनाया था 8 मार्च 1909 को, और 1911 में यूरोप में मनाया गया महिला दिवस। लेकिन 1975 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की, और 2024 में महिला दिवस की थीम है इंस्पायर इंक्लूजन। सो हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे टू यू ऑल। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैड गिवन अ वेरी सेंसिटिव डिसीजन और इंस्ट्रक्शंस इन 2018 शर्त इच्छा मृत्यु की अनुमति दी भारत के उच्चतम न्यायालय ने 2018 में 8 मार्च को। एयर इंडिया भारत की पहली एयरलाइंस थी और 8 मार्च 1948 को एयर इंडिया इंटरनेशनल ने शुरुआत की थी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की, या ये कह सकते हैं कि 8 मार्च 1948 को एयर इंडिया की अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का उद्घाटन। 8 मार्च 1817 न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज वाज ओपन। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में 8 मार्च 1817 को स्टॉक एक्सचेंज या न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज शुरू किया। 8 मार्च 1971 को मोहम्मद अली और जो फ्रेजर के बीच में हैवीवेट बॉक्सिंग कंपटीशन हुआ, और इसमें 31 टूर्नामेंट लगातार जीतने वाले मोहम्मद अली को जो फ्रेजर ने हरा के सनसनी फैला दी थी, और इस फाइट को या इस मुकाबले को कहा गया था फाइट ऑफ द सेंचुरी। और आज जन्मदिन है फिल्म जगत के मशहूर शायर साहिर लुधियानवी का, आप पैदा हुए थे 8 मार्च 1921 को। तो इसी के साथ आज का आज सुबह खत्म करने की दीजिए इजाजत। जाने से पहले एक बार फिर हम आपसे कहेंगे कल हम अपना 100वां एपिसोड प्रसारित करेंगे, और उसमें गुजारिश यही है कि कम से कम अपने 5 साथियों को इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और अब दीजिए इजाजत, जय हिंद।